हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने कल दृष्टि दोष में निकट दृष्टि दोष पढ़ा था। आज आप लोग पढ़ेंगे दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। ठीक है, क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिए, निकट दृष्टि दोष पढ़ाया आपके लिए। निकट दृष्टि दोष में नेत्र निकट की उसमें स्पष्ट देख लेता था, लेकिन दूर की उसमें स्पष्ट नहीं देख पाता था। ठीक है, इसका मतलब जो नेत्र का दूर दृष्टि होता था वो अनंत पर ना होकर कुछ कम दूरी पर आ जाता था। ठीक, और ये जो दोष है अधिकतर ये बच्चों में होता है, 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक बच्चों में होता है, क्योंकि मांसपेशियाँ स्वाभाविक मांसपेशियाँ मजबूत नहीं होती हैं और मंजन क्षमता भी पूर्ण नहीं होती है। ठीक, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है कि इस दोष में नेत्र दूर की वस्तु में स्पष्ट देख रहे हैं, दूर की वस्तु उसको स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु में स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जैसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसका मतलब नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर चला जाता है, इसीलिए इस दोष का नाम होगा दूर दृष्टि दोष। जैसे हम 25 सेंटीमीटर की रूप में देखते हैं स्पष्ट रूप से, कब, जब कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि नेत्र में कोई दोष आ जाए तो हम 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर देख पाते हैं, 25 का स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक, तो हमारे नेत्र का जो निकट बिंदु था वो 25 से ज़्यादा पहुँच जाता है, तो ये दूर दृष्टि दोष। तो क्या लिखेंगे इसमें, इस दोष में, इस दोष में नेत्र दूर की वस्तु में स्पष्ट देख लेता है, स्पष्ट देख लेता है, परंतु निकट की उसमें स्पष्ट नहीं देख पाता हूँ, निकट की उसमें स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, अर्थात नेत्र का निकट बिंदु, नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर चला जाता है, अधिक दूरी पर चला जाता है। इस दोष में नेत्र हमारा दूर की वस्तु में स्पष्ट देख लेता है परंतु निकट की वस्तु में स्पष्ट, मतलब ठीक वाले स्पष्ट नहीं देख पाया। इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र का जो निकट बिंदु था 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो 25 से ज़्यादा पर हो गया। अगर आपसे कभी परीक्षा में पूछा जाए कि दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु कहाँ होता है, तो आप बताएंगे दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु 25 से ज़्यादा दूरी पर होता है, और निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु कहाँ होता है, तो निकट दृष्टि दोष में दूरबीन अनंत से कम दूरी पर होता है, जो आपने बताया। इसके बाद इस दोष के कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, किन कारणों से दूर दृष्टि दोष होता है, तो हमने कल आपको निकट दृष्टि दोष के दो कारण बताए थे। वहां पर था एक नेत्र लेंस जो था उसकी वक्रता क्या है, बढ़ जाए, जैसे फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा बताया था नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। देखो, जिस लेंस की वक्रता कम होगी वो पतला होगा, तो पतले लेंसों की फोकस दूरी भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेत्र लेंस की, नंबर एक, नेत्र लेंस की
वक्रता कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, ठीक है। दूसरा इसका कारण है कि नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए, जो हमारा नेत्र का गोला था उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा कम हो जाए, तब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जैसे ये नेत्र का गोला है, ठीक, ये आपका अंधेरा दर्शाते हैं हमारे ये नेत्र लेंस। अब आप सोचो जरा ये लेंस पतला हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और इसके लिए फोकस दूरी बढ़ जाएगी वैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा पड़ती है, नेत्र लेंस रेटिना तक की दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है, और जो भी प्रकाश की किरणें आती हैं ये इनको मोड़कर रेटिना पर ही फोकस करता है। अब आप सोचो जरा अगर इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए तो जब फोकस दूरी ज़्यादा होगी तो ये दूरी बढ़ जाएगी, तो जब इस पर किरणें गिरेंगी तो ये रेटिना से पीछे फोकस होगी इधर, और इसकी फोकस दूरी इससे पहले फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक मान लो एक सेंटीमीटर हो, बाद में फोकस दूरी एक किलो पाँच सेंटीमीटर हो जाए तो इंटरनेट पीछे कहाँ से मिल जाए, वो बात की बात है। दूसरा हो सकता है यही कारण कि जैसे ये गोला छोटा हो जाए, जैसे कि पहले कहते हैं रेटिना सही रखते हैं, अगर ये गोला छोटा हो जाए तो रेटिना यहाँ इधर आ जाएगा, अगर ये गोला छोटा होगा तो रेटिना को इधर से जाएगा, तब किरणें जाएंगी तब पीछे, तो दोनों कारण हो सकते हैं। दूसरा है कि नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी घट जाए, वो कम हो जाए। ठीक, जब ऐसा होगा तो फिर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना वाला फोकस ना होकर उसके पीछे की चीज फोकस होती है। यहाँ पर लिखेंगे अर्थात अनंत पर या निकट स्थित वस्तु से, अनंत पर या 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना आर के पीछे फोकस होती है, फोकस होती है, ठीक। ये तो कारण है, अब हम पीछे के रे फोकस होती हैं, ठीक है, इसका चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पर आप इसको नोट करना, हम ऊपर बिठा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आप इनको तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर दिखाया नेत्र का गोला, ये तो एक चीज और ध्यान रखना, नेत्र का गोला सब जगह इक्वल एरिए का बनाना है, और ये हो गया नेत्र, ठीक।
आज जैसे निकट इस वक्त 25 सेंटीमीटर ये निकट बिंदु है और निकट बिंदु आपका जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर निकट बिंदु है और इससे प्रकाश की किरणें चली। तो ये रेटिना पर फोकस नहीं होगी, रेटिना आ रहा है ये किरणें ऐसे जाएंगी और रेटिना के थोड़ा नीचे पर। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि किरणें अगर रेटिना पर ही फोकस हो जाए तो बात बन जाए, रेटिना के पीछे की दूरी पर फोकस करेंगे यहाँ पर कहने नहीं। अगर रेटिना पर किरणें ही नहीं मिलेंगी तो स्पष्ट नहीं बनेगा। मान लो ये निकट बिंदु ओ है और ये आपका कितनी दूरी पर स्थित है, 25। तो आप सोचो जरा इस पॉइंट को अगर दूर करना है तो कुछ ऐसा करें कि यहाँ से चलने वाली किरणें रेटिना पर फोकस हो जाए तो दूर हो जाए। अच्छा निकट बिंदु 25 से ज़्यादा तो चला गया, निकट बिंदु जैसे पहले वो था तब जब स्वस्थ नहीं था, लेकिन जब नेत्र में कोई दोष हो गया तो निकट बिंदु हमारा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर चला गया। देखिए ध्यान से दूसरा इसका फिगर बना रहे हैं कि ये नेत्र का गोला है, ध्यान दीजिएगा ठीक, और यहाँ पर रेटिना बना दें, ये रेटिना ये नेत्र इसका निकट बिंदु दूर चला गया ना, तो इसका निकट बिंदु यहाँ कहीं आ गया 25 से ज़्यादा कुछ हो गया। मान लो निकट बिंदु इसका एयर हो गया, आप जब यहाँ से किरणें इसको गिनती है ऐसे ऐसे तो ये रेटिना पर ही फोकस होती है। हाँ किरणें रेटिना पर कब फोकस है, जब हमने मैंने पुस्तक 25 पर रख के पढ़ना स्पष्ट दृष्टि नियंत्रण दूरी पर, अब हमारे नेत्र में दूरदृष्टि दोष हैं तो हम 25 पर रख के पुस्तक को नहीं पढ़ पाएंगे, हमें पुस्तक पढ़ने के लिए उसको 25 से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कुछ लोग पेपर पढ़ते हैं तो थोड़ा ऐसे दूर करके पढ़ते हैं, दूर पकड़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, बिल्कुल पास से नहीं पढ़ पाते हैं, उनकी गलत उनकी नेत्र में दूरदृष्टि होती है, उनकी ऐसी कंडीशन होती है 25 वाली पर प्रति रेटिंग अगर नहीं होता है और जब 25 से ज़्यादा पर वस्तु को रख लेते हैं तो स्पष्ट प्रति रेटिंग बन जाता है, मतलब यहाँ की वो देख लेता है ना। तो हम कुछ ऐसा करें कि वो यहाँ की देख लेंगे, तो भाई कुछ ऐसा कर दे कि यहाँ की वस्तु को देख तो देखते हैं। ये हमने बनाया है लेंथ दो दूर कर रहे निकट दृष्टि दोष का आपने निवारण किया था अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष का निवारण होगा अवतल लेंस। ठीक देखिए किस दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस वहां पे लगाना ये आप लगाएंगे ठीक। अब हमें वस्तु कहाँ की दिखानी, 25 वाली, ध्यान देना अभी बात पे हटा देंगे इस लाइन को, यहाँ पर रखे वस्तु को हमें 25 वाली है, 25 तरी बना है बिल्कुल सामने नीचे लगा रहे ये 25 वाली है, यहाँ की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, क्या किया 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु से प्रकाश की किरणें चली प्रकाश ठीक, असल उत्तल लेंस की प्रवृत्ति उन्हीं किरणों को पूरा मोड़ देगी, ये बिंदुओं से प्रकाश की किरणें चली, इसकी प्रवृत्ति किरणों को थोड़ा सा मोड़ देगी तो बिल्कुल सीधे किरणें नहीं जाएंगी बल्कि थोड़ा सा क्या हो जाएंगी मुड़ जाएंगी, और वो मुड़ के ऐसा लगेगा देखिए आप भी जान जाएंगे क्योंकि यहाँ जो उसको इसको देख रहा है तो कुछ ऐसा हो जाए कि नेत्र लेंस को ऐसा प्रतीत हो कि ये किरणें यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से आ रही है ठीक, देखो ऐसा लगे ये किरणें आपकी यहाँ से जा रही है, ठीक
ये कहाँ मिल जाएगी? रेटिना। अब आपको बता दें जो हमने रेड डेंस लगाई है, देखो ये किरण हमारी ऐसे जा रही है, थोड़ा सा ऐसे मुड़ गई, थोड़ा सा मुड़ी लेंस पर गिरी गई, ये पॉइंट नहीं हो गया, ये पॉइंट आपका क्या हो गया? और ये वाली लाइन को कॉन्टिन्यूस खींचेंगे, ध्यान देना कि अब ये क्या हुआ है, ओ बिंदु की कितनी दूरी पर है? 25। अब 25 पर रखी उसका प्रत्येक कहाँ बना जाता है? रेटिना। तो इस दोष का निवारण करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे कि निकट बिंदु को तो चलने लगने, मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखी हुए चलने वाले लेंस से निकलने के पश्चात जो दोष के कारण निकट बिंदु का एन उसके आगे देखो इस चित्र को हम दोबारा फिर से एक बार समझा देते हैं। चलो लिख देते हैं, जैसे फिर हम पढ़ जाते हैं। क्या लिखेंगे? निवारण निकालो। इस दोष का निवारण करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है प्रयोग किया जाता है जिससे कि पच्चीस सेंटीमीटर पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से निकलने के पश्चात निकट बिंदु एन से आती हुई जो नया निकट बन गया था तब वो दोष इस वाले में निकट बिंदु एन से आती हुई गति इस प्रकार उसका स्पष्ट रेटिना पर बन जाता है। वस्तु का स्पर्श प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। फिगर इसका जो है देखो दो संयुक्त नेत्र का निकट बिंदु है 25 से ज्यादा, अगर 25 पर रखी उसको देखेगा तो फिर देख नहीं पाएगा, रेटिना पर स्थिर नहीं होते। देखिए यहाँ पे हमने ये बनाया नेत्र का गोला, इसको बना लीजिएगा और ये कार्निया हो गया, ये नेत्र में ये रेटिना होगा। ठीक, आप देखो ध्यान से कि वस्तु में रखनी है 25 का ऑर्डर यहाँ पे वस्तु 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी और यहाँ पर हमने एक लगा दिया उत्तल। ठीक, प्रकाश की किरणें गई
इस प्रकार से किरणें गिरती। तो आप लोगों ने पढ़ा उत्तल इस किरणों को थोड़ा सा मोड़ देता है, बहुत मामूली सा मोड़ देता है, इसने मोड़ा और मोड़ कर कहा और मोड़ा इसने, लेकिन ये जब मोड़ देगा तो ऐसा लगेगा मानो ये किरणें कहीं पीछे से आ रही हैं। अब जब ये किरणें यहाँ से और यहाँ वाली किरणें कहाँ फोकस होती है, रेटिना पर, ये रेटिना पर होती है और दो जो है चीज पर रखी हुई उसका प्रत्येक रेटिना पर होती है। देखिए उत्तल लेंस की ग्रोथ होती किरणें को सिकुड़ देना, जैसे किरणें वही ऐसे रहती है और ये थोड़ा सा ऐसे होना है, आप पीछे बढ़ाओगे तो फिर कहीं और पीछे जाकर मिलेंगे, वही तो नहीं आते किरणें पहले ऐसे गई लेकिन बीच में लग गया उत्तल उत्तल लेंस जिन किरणों को थोड़ा सा मोड़ दिया, मोड़ने पर वो प्रत्येक हुआ इसमें प्रतिब जो है रेटिना के पीछे बनता है, कब जब प्रतिब पर रखी होती है और स्पष्ट प्रतिब रेटिना पर भी बनता है या प्रतिब से ज़्यादा पर। क्वेश्चनों में आपके कहेगा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति जो है 150 सेंटीमीटर तक ही देख पाता, मतलब अपने से 150 सेंटीमीटर सही दृष्टि के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसे उस में लेंस लगाना चाहिए, कौन सा लेंस उत्तल लेंस लगाना चाहिए, ऐसा हो वो ऐसा हो कि 25 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 150 है ना। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे इस पर आधारित, उन्हें आपके वीडियो में इतना।